गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो भाई दिन की शुरुआत धूप से हुई आज। आपको एक बात बताना चाहता था, गाड़ी ली है हमने, नई ली तो मिन्ना रेड मिन्ना हो गया, बट वीडियो अभी तक एक भी नहीं डाली क्योंकि मैं चाहता था गाड़ी का नंबर लिया, नहीं नंबर आ जाए, नंबर के बाद ही आपको दिखाऊंगा। ये तो भाई अब गाड़ी का नंबर आए भी महीने से, हाँ महीना तो हो ही गया। तो भाई गाड़ी एक बार आप लुक दें, तो भाई गाड़ी अपनी क्रेटा EX वेरिएंट, जो मैंने पिछली वीडियो डाली थी उसके बाद लिया है। इसका नंबर हमने लिया है 0030। बट भाई कई बंदों के दिमाग में बात आ रही होगी कि कुरुक्षेत्र में होके वहाँ का नंबर क्यों लिया, क्योंकि भाई बात ऐसी है, बड़ी ट्राई करी कुरुक्षेत्र का नंबर नहीं मिल पाया। कुरुक्षेत्र की सीरीज में 30 नंबर अवेलेबल नहीं था भाई, अगर ले लेते तो 3 से 4 महीने की वेटिंग पे मिलता अगली सीरीज में वो भी। तो भाई गाड़ी बहुत कंफर्टेबल है, मजाक नहीं करता, अगर किसी भाई ने लेनी हो तो जो इसके प्राइस में गाड़ी फीचर ऑफर कर रही है वो बहुत सही है मतलब। और SUV की SUV है देख लो, अभी इसमें हमने 4280 किलोमीटर चला लिया। तो भाई इसकी गाड़ी का अलग से आपको मैं रिव्यू ज़रूर दूंगा, अगर ट्राई करूंगा देने की। तो भाई 0030 नंबर की आपको अगर मैं बताऊँ तो क्या बात है, हमारे पास एक गाड़ी थी वो आज से 20-22 साल पहले जो की थी जेन, उस गाड़ी पे हमने नंबर लिया। उस गाड़ी पे हमको नंबर हमने मतलब अरेंज किया था 0030। उस टाइम नंबर पेड नहीं होते थे, उस टाइम नंबर मतलब इजीली मिल सकते थे अगर लेने होते थे तो किसी को। तो भाई उस टाइम तो हमने उसके बाद वो बेच बूझ दी वो गड्डी कहाँ मतलब आगे से आगे, उस टाइम को क्या पता था नंबर कितनी वैल्यू होगी। तो भाई हमने गाड़ी ली तो हमने कहा, मैं क्या भाई नंबर तो लेंगे जरूर अगर गाड़ी ली है, मैं अगर दाल के परांठे बना रही होंगी खा लूँ फिर आगे बताता हूँ क्या करते हैं। बात तो एक तरफ हो गई है, अब देखते हैं। ध्रुव उठाया नहीं, मेरे हिसाब से तो उठ गया है क्योंकि उसके अब पेपर है, पेपर तो मेरे भी हैं। तो ध्रुव भाई उठ चुका है, फ्रेश हो के बैठ गया खाना खाने, कोई बात नहीं। अच्छा कितने देर में फ्री होएगा? कितनी देर में फ्री होएगा? खाना खा ले फिर चलते हैं। चल तो भाई आपको एक चीज दिखाता हूँ मैं, एक सेकंड। तो भाई ये देखो हमारे घर के साइड में इतनी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है भाई, घर बना रहे, इतना बड़ा घर भाई, दिन रात टक 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 टक। अभी शायद साल एक तो चलेगा काम इसका। नमस्ते अंकल जी। बढ़िया बढ़िया, ठीक हो? हाँ जी। तो भाई बात ऐसी है, अब आपको ये घर दिखाता हूँ। इस घर की वजह से हमारी घर में लीकेज होनी शुरू होगी। इस घर में कंस्ट्रक्ट करते दीवार तोड़ दी इन्होंने, हमारे घर के साथ दीवार जुड़ी हुई थी इनकी। तो भाई दीवार के अंदर ये धीरे तेज उससे प्रेशर रखा था तो भी लीकेज हो गई। ये जो हाउस बन रहा इसका भी आपको मैं टूर दूंगा अलग से, बट ये हमारे जानकार लगा लो आप नोन है जिन घर बना रहे हैं। घर इन्होंने पहले 2 मंजिल बनाना था, 2 मंजिल का काम शुरू करा के अब कह रहे हैं 3री मंजिल बनाएंगे, 3री मंजिल में भी कमरे बनाएंगे। चलो भाई सबकी अपनी अपनी मर्जी है। भाई क्या होया, जो इनकी दीवार है ना ये इन्होंने पानी वगैरह छिड़काया, क्या होया हमारे स्टोर रूम में पानी आ गया इनकी दीवार की वजह से। ये दीवार है पीछे वाली जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, अभी हमारे घर से तो इन्होंने एक फ्लोर ज़्यादा बनाया
धूप फिर तो नीचे धूप नहीं आएगी, धूप रोक देगा ये तो। चलो लेट आएगा कि बटा तो जाए करेगी, कोई बात नहीं। ये देखो ये घर कहाँ कितना ऊंचा, कोई घर नहीं है इसके लेवल तक गया, क्योंकि इधर हमारे इधर ज़्यादा बड़े घर नहीं है, बड़े मतलब ऊंचे घर कम बनाते हैं नीचे। अभी तो बढ़िया धूप आ रही है, बट मेरे को तो लगता तो नहीं कि ज़्यादा, अगर ये और ऊंचा बनाएंगे फिर तो मुश्किल है धूप यहाँ टिकना। कोई बात नहीं, चलो जो होगी देखी जाए। हाँ तो भाई वीडियो को ये करते हैं एंड, डेली व्लॉग डाले करूँगा भाई मैं, वीडियो डेली आए करेंगे अब, डेली व्लॉग्स। तो बाय बाय।